वक्त की बड़ी खबर गोल्डी बराड़ से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अब गवाहों को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि गोल्डी बराड़ ने ये धमकियां फरीदकोट के कांग्रेसी नेता गुरलाल पहलवान के हुए कत्ल के मामले में गवाहों को दी है, जिसका पिछले साल गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। गुरलाल के परिवार द्वारा इस केस की पूरी जांच करवाई जा रही है। वहीं इस मामले के गवाहों को अब गोल्डी बराड़ द्वारा धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वे अदालत में गए तो इसके नतीजे बहुत गलत होंगे। जानकारी के अनुसार गोल्डी द्वारा दी जाने वाली धमकियों की शिकायत गवाह गुरजसविंदर सिंह ने फरीदकोट पुलिस को दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल फरवरी जिला परिषद मेंबर गुरलाल पहलवान का कत्ल कर दिया गया था, जिसका वह गवाह है। गोल्डी बराड़ उन्हें अदालत में ना जाने की फोन करके धमकियां दे रहा है। उसने बताया कि ये धमकियां उसे ही नहीं बल्कि अन्य गवाहों को भी मिल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ इस समय कनाडा में बैठा हुआ है और वह मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी है, जिसका 29 मई को गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था।